ग्रीक माइथोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू माइथोलॉजी ए द ओरिजिन ऑफ मैन इन ग्रीक माइथोलॉजी। नमस्कार, इस वीडियो में आप ग्रीक पौराणिक कथाओं और उसके पात्रों का एक संक्षिप्त संदर्भ देखेंगे जो आपको जन्मनजलखत वीडियो को और अधिक गहराई और व्यवस्थाई से समझने की अनुमति देगा। जिसमें प्रत्येक पहलू को संक्षेप में इस वीडियो में समझाया गया है। पूरे इतिहास में मनुष्य को प्रकृति जत द्वारा एक प्रतीकात्मक प्राणी के रूप में परिराजित किया जा सकता है और यह ठीक प्रतीकवाद के येत में है, जहाँ एक समानांती के अखस्तत्व को ग्रही किने के जले अपने स्वयं के रोचतक अखस्तत्व को पाई किने मिनसिम अव्याओं को बनाने की इंता प्रकट होती है। ओई अंत ज्यात्मक अरोचतक दुजनिया जो काई ओई बुखी के उपयोग के माध्यम से एक मंच के रूप में काय भकिता है, जहाँ आसपास के ब्रह्मांड के उत्ती ओई स्पष्टि की पाए जा सकते हैं। इस प्रकार पौयाजिक कथाओं अलौचकत व्याख्या के जले एक आदर्भ स्थान के रूप में सरी संस्कृत जतियों की व्यक्तिगत और सामूहक दोनों कल्पनाओं में मौजूद यही है और जायी है। जमथक पौयाजिक प्राजियों की तेह मनुष्य के इहसों के बाये में सबसे घिये सवालों के जवाब प्रदान किते हैं, जक उसका अपना अखस्तत्व और ब्रह्मांड में एक सोच वाले जीजवत प्राई के रूप में उसकी रुजम का संलग्न है। गस्तहास के बाद सेसरी मानव समूहों ने प्राकृत जतक घटनाओं के बाये में स्पष्टि की केजवजरनस्तियों को जवकसत जक्या, जो उन्होंने अपनी ज्ञात दुजनिया की चीजों जानवियों प्रकृत जत की अजर व्यक्तियों और एक काल्पजनक दुजनिया के साथ पीढ़ी से पीढ़ी तक संचरित सामूहक यादों के बीच एक मजबूत संबनी में देखा, उन्हें रद्द प्रदान जक्या। प्रवचन के माध्यम से मानव के समान अलौचक प्राजियों के प्रति या अप्रति हस्तियेप के माध्यम से पुरुत्पादन समय में स्थानांतरित किनेओई सामान या बुराइयों को उत्पन्न किने की इंता, हालांजक बहती इमताओं ओई कॉल के साथ एक ही गुई ओई दोई के साथ एक उत्कृष्ट जड़गरी ओई जादुई इमताओं के साथ। यूनाजनियों के पौयाजिक जवकास के संबनी में यह इंजगत किना महत्वपूर्ण है, जक यह मौजलक रूप से न्याय जपछले एक से अलग नहीं है, नहीं वे अन्य संस्कृत जतियों द्वाया जवकसत जपछले पौयाजिक मचान के संबनी में अजिक मूल है। यूनाजनियों ने अपनी पौयाजिक समझ में जबजली तूफान यात चंद्रमा जैसी प्राकृत जतक घटनाओं के जले स्पष्टि की तलार की, जैसे उन्होंने अपने अखस्तत्व मृत्यु और बाद के जीवन के अथभ के बाये में स्पष्टि की मांगा। ठीक यही वे प्रश्न हैं जिजने वे अपनी पौयाजिक कथाओं के माध्यम से हल किना चाहते हैं। ग्रीक पौयाजिक संरचना 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होमी ओ हेजस्योर द्वारा की गई मौखकत पिम्पिया के व्यवस्थित की पी आयारित है। इस पौराणिक जन्माभिमेंद्रिशों की एक जजटल योजना में जवकसत होने की जवजर्षता है। जजस्मिन देवता स्वयं एक दूसरे से संबंधित हैं। लेजकन पुरुयों के जलेरी एक परिदृश्य में जो सब कुछ ओय दुजनिया में होने वाली ही चीज को समझाने में सिम है। आइए हम दुजनिया ओय पुरुयों की उत्पजत से रुकिए। संसाय की उत्पजत तक पृथ्वी आकार महासागी आकारीय जपंड जवरे रूप से सुभाव चंद्रमा आजत मनुष्य के जीवन को घेने वाली परिखस्त जतियों की तेह वे फले ओई मुख्य प्रश्न थे जन के स्पष्टि की आवश्यकता थी। प्रकृति जत के कुछ पैटनभ में एक जनजित तकब के साथ संपन्न एक आदेर के अखस्तत्व का सिल अवलोकन जबपी जवचाई की कल्पना किता है, अथाभत जसियांत के रूप में याजकता का जबछला अखस्तत्व यह आजदम अवस्था है, एक असीजमत स्थान जहाँ आपदात भय एक जनखीय ओई पूरी तेह से अव्यवखस्थत खस्थ जत में है। इस अथभ में हेजस्योर की दृजष्ट ने सुझाव जद्याजक वह जनियाकाई पदार्थ भोई अनंत स्थान का प्रजत जनजित्व की सकता है। यह एक मौजलक रून्य था जिसमें से ब्रह्मांड और ग्रीक देवताओं से जहत सब कुछ बनाया गया था। हेजस्योर के अनुसायी कै ओसरी एक दू ई रुजमगत अनियी जगह थी। अयाजकता से सरी चीजों के राश्वत ओ अटूट जीजवका के रूप में पृथ्वी की देवी ओई इओस प्रेम ओई सृजन के याजकुमाई आकिभी के बल के प्रतीक के रूप में हुरिया जो तत्वों को जीवन को जन्म देने के जले एक साथ लाता है। ग्रीक पौयाजिक कथाओं की उत्पजत में बाइसबल की जहब्रु व्याया केजवपीत सृजष्ट एक एकल श्रेष्ठ ईश्वी की इच्छा का परियाम नहीं है, बखि प्रेम के प्रराव में श्री प्राजियों के जमलन का परियाम है जज से उस मेन्द्राभ्या गया है। पूर्वी सहायता केज बना गया ने यूएनस को जन्म जद्या जो तायोम वाला आकार है अमियों का जनवास है जजस ने उसे जनिश्चत जग्या। इसते यूएनस इति मातागी के पुत ओई पजत थे। इस संघ से फले टाइटन्स का जन्म हुआ जजन का जववी नीचे दिया गया है। महासागी वह समुद्र के टाइटन ओई खाए पानी के सरी जपंड थे। थेजट्स के साथ वह 3000 समुद्री अप्सियाओं के ओसिनाइड्स के जपता थे। थीजट्स पानी की देवी ओई जवरे रूप से ताजे पानी की सीओ या पोलो जस्तायों का प्रजत जनजित्व किते हैं खास की उत्ती में।
फोबे के साथ उनके पास एस्टेरिया, लेटो, ऑयलेलेंटो थे। जियो टाइटनेस यूरिसबया के साथ वह पसब, पलास ऑई एस्ट्रो के जप्ता थे। उन्हें झुंड के देवता के रूप में जाना जाता था। हाइप्रियन उन्होंने रोई के प्रकार का प्रजत जनजित्व जकिया ऑई अवलोकन के देवता थे। इपेट्स प्रोमेजथयस एटलस मेनेत्सेओ ऑई एचपजमस्थयस के जप्ता। चाय द्रिजष्ट की देवी। काई उभिता ऑई मातृत्व की देवी। योनस के साथ उनके पास कई ओलंजपियन देवता थे। थीजमस न्याय ऑई व्यवस्था का प्रजत जनजित्व जकिया। जनमोटसन उन्होंने स्मृजत का प्रजत जनजित्व जकिया। जीउस के साथ उनके पास मूसा थे। योनोस उन्होंने स्मय की पहचान का प्रजत जनजित्व जकिया। वह अपने पता यूएनस को उखाड़ फे कने ओई उसे कास्ट किने के बाद पहली पीढ़ी के मुख्य ओई सबसे कम उम्र के टाइटन थे। उन्हें एक दियांती के साथ जत जकिया गया था। वह जीउस डेमेटी हेया ओसीडॉन हेड्स ऑई हेखस्टिया के जप्ता थे। इन पातों के बाये में नजिक जानने के जलए ग्रीक और याजिक कथाओं की पहली ऑई दूसरी पीढ़ी के टाइटन्स ऑई टाइटन्स में ये चैनल पी वीडियो देखें। आप इसे प्याई किने जा रहे हैं। योनोस के जन्म के बाद गेओई यूएनस ने फैसला जकिया जब कोई ऑई टाइटन्स पैदा नहीं होगा ताजक साइक्लोप्स का पालन जकिया जा सके केवल एक आंख वाले प्राई ऑई हेकाटोंजचेस या सेंटीमेनोस 50 जसी ऑई 100 हजथ्यायों के साथ एक जवराल रियी के साथ संपन्न सच्चे आइस अनिये के जो अपने पता यूएनस के साथ यूई मेम प्रवेरकते हैं जो उन्हें पृथ्वी की आंतों में फेंक देते हैं। जफी गे अपने बच्चों पी यूएनस की यू की कायधवाई से योजित होकी मदद के जलए अपने बेटे योनोस की ओई मुर्ता है जो यूएनस के याज्ञ को समाप्त की नेमिनसिम होगा। योनस हेजस्योर के अनुसारी गया के पुतों में सबसे छोटा ओई मुर जदमाग वाला सबसे रियानक था। जजस ने अपनी माँ गया की जरकायतों का जवाब देते हुए अपने पता को खारिस की जद्या ओई अपनी बहन के साथ देवताओं का रासक बन गया। ओई पत्नी रिया पत्नी के रूप में नोई अन्य टाइटन्स उसके दिबाई के रूप में। रिया वह गुफाओं ओई पहाड़ों दीवायों ओई जकलो प्रक्री जत ओई जानवियों की जदव्यता थी। आम तोई पी ग्रीक पिंपिया इन जगत की थी है जक इस बजिया से एफ्रोडाइट पैदा हुआ समुद्र से जनकल की उसके जप्ता के अंडकोई के समुद्र में जगने के बाद। इसके अलावा अयाजकता से ये बस आजदम देवता ओई अन्य ओई छाया का अवताई उरिया जजस ने दुजनिया के सरी कोनो ओई जछद्रों को रिजद्या ओई याद की देवी जनकसरी। जनक्स यात अपने राय ये बस अन्य ये के साथ कुछ मौजलक देवताओं की कल्पना की इथी रुई चमक ओई चमक ओई हेमेया जो जदन का प्रजत जनजित्व किते थे। ये ओई उसके वंजो नेरी बड़ी संख्या में देवताओं को जन्म जद्या जो कई प्राकृत जतक रखियों का प्रजत जनजित्व किते हैं जजन में से जन्न जिखत है। थानाटोस मौत सम्मोहन नींद ओई सपने दास्ता बदला बुढ़ापा कलह योखाईडी साथ ही कई अन्य रूपक जजन का इस चैनल पी जन्म नजलखक बीजडियो में जवस्ताई से लाज जकिया जाएगा। योनस अपनी बहन रिया ओई जप्ता हेया से जुड़ता है जो जीउस की पत्नी ओई बहन है जो अपने झनसक ओई तामजसक स्वराव के जलए जानी जाती है मुख्य रूप से जीउस के प्रेजमयो संतानों के खखलाफ लेजकन नश्वी लोगों के खखलाफ री। पाताल लोक सबसे बड़ा पूर्वी बच्चा ओई अंडिवल भका देवता है। प्राचीन ग्रीक जमतकों में पाताल लोक मृतकों का युजमल ओई उदास जनवास है जज से ये बोरी कहा जाता है जजस में श्री नश्वी गए थे। ओसीडॉन वह समुद्र के देवता हैं, पृथ्वी के रेकी हैं, ओई ग्रीक पौयाजिक कथाओं में रुकम पके हैं। उनके सौम्य पहलू में पोसीडॉन की कल्पना नए द्वीपों को बनाने ओई रांत समुद्र की पेरकर किने के जलय की गई थी। जब वह योजित हो गया या उसकी उपेया की दी गई, तो उसने अपने जतरूल से जमीन को चकनाचूई की जद्या ओई बाढ़ रूकंप जसन कहोल ओई जलपोतों का काई बना। जी उस देवताओं ओई पुरुयों का याजा जो उजलम के देवताओं को एक परिवार के जप्ता के रूप में जनियंजक किता है वह आकार ओई गड़गड़ाहट का देवता है ओई इस जले उजाब का है। वह अपने कई कायनामों ओई प्रेजमयों के जलए जाना जाता है। जजस के फल में कई देवताओं ओई नायकों का जन्म हुआ जजन में राजमल है। एथेना यूई सभ्यता ज्ञान काई बुखी यूई की इनिजत जीत जवज्ञान जल्प उद्योग आजवशकाई कला व्यापाई नेजवगेर नायक रखी साहस सुइया रियाज जरिया की देवी है। न्याय कानून ओई कौरल अपोलो कला के देवता इनुई ओई ती के जजनों ने आकार की ऊंचाइयों से इनकी दिया इया की सत्य के प्रकार के साथ पहचाना जा रहा है। वह अचानक मृत्यु जब पजत्तयों योगों के देवता हैं लेजकन जचच कत्सा ओई बुरी ताकतों से सुया के देवतारी हैं।
इसके अलावा वह सुंदरता, पूर्वता, सद्भाव, संतुलन और तकब के देवता हैं। वयस्कों की दुजनिया में युवा लोगों के सजभक, चिवाहो, नाजवकों और इनुयाभ्रियों के एक हैं। आर्टेजमस वह जरकाई जंगली जानवियों को वाई रूजम जन्म कौमाय भाई युवजतियों की ग्रीक देवी है जो मझलाओं के योगों को लेकी आई ओई याहत जमली। हेमीस दूत देवता है सीमाओं वाई याजतियों को जो उन्हें पाए किते हैं सामान्य रूप से सिलता ओई वाजिज के चालाक चोरियों ओई झूठे लोगों के ओई जो अंडिवल्भ पाताल लोक में आत्माओं का माग भगर्भन किते हैं ओई वह आजवशकाय क्री है। परसफोन उभिता ओई पृथ्वी की उभिता की देवी उन्हें अंडिवल्भ की यानी माना जाता है। सबसे प्रचसी जस्यांत यह है जक हेड्स ने परसफोन का अभी की जलिया उसे अंडिवल्भ में ले गया जहाँ उसने उसे अपनी यानी बना जलिया। एक अन्य संस्की इन जगत किता है जग जीवस निरादि के जलय अपनी सहमजत दी कोंजक वह पाताल लोक के साथ संघिभन ही चाहता था। डायोजनसस उभिता ओय रियाप के देवता वह अनुष्ठान पागलपन ओय पिमानंद के प्रेक थे। पजस्भ्यस ग्रीक पौराजिक कथाओं के नायक वह जीवस ओय डाने के पुत हैं। आगोस की याजकु माई जो उसे एक अर्घ देवता बनाती है वह महान नायक है जज ने रियानक मेडुसा के जीवन को समाप्त की जदिया होई अपने जसी का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को पत्थी में बदलने के जलय जक्या। हेयाक्लीस ग्रीक पौराजिक कथाओं के नायक वह जीवस ओई अयमेने एक नश्वी यानी का पुत है। वह ग्रीक नायकों में बसे प्रचसी है पौरुई का प्रोटोटाइप ओई कीटोन एआईसों के खिलाफ ओलंजपियन आदेर के नेता है। उनकी असायाय ताकत उनके गुयों का मुख्य है लेचकन साहस गवभाय वीतारी हैं उन्हें स्पार्टाब के याजाओं का पूर्व भज माना जाता है। केटोजन क्रब्द अंडिवल्भ के देवताओं या आत्माओं को संदजर्भत किता है जैसा जक आकारीय देवताओं के जवपीत है। हेलेना हेलेना डी ट्रहोया या हेलेना डी एस्पार्टाब के रूप में जानी जाती है वह ग्रीक पौराजिक कथाओं का एक चरित है जिसका नाम चाय या मराल का अथ है। जी उसकी बेटी मानी जाती है और उसकी महान सुंदरता के काई कई नायकों द्वाया उसकी तलार की जाती है। पेरिस ट्रॉय के याजकु माई द्वाया उसे भकाया अभी की जलया गया था जो ट्रोजन युई का काई बना। जमनोस वह एते का याजा था वह जी उसका पुत था। राजपथ आत्माओं के राज्य के न्यायायीर के रूप में बा के जीवन में एक रानदाई करी होने के बावजूद उन्होंने देवताओं को खारिज की जदिया जब उन्होंने उन्हें ये तेके याजा बनने के अधिकाई के जलए एक संकेत जदिया जवरे रूप से पोसीडोन की इच्छाओं की अनदेखी किते हुए बजलदान न किने का जनिभय जलिया। एक प्रावराली सफेद दसांड जो समुद्र से जनकला था इसने पोसीडोन को इतना नायाज की जदिया जक उसने जमनोस की पत्नी पासीफे को बैल से प्याई की जदिया। इस प्रकार बैल के साथ उसके बाद के मैथुन ने जमनोटॉय के जन्म को जन्म जदिया। मुसेस ग्रीक पौराजिक कथाओं में मसल्स मझला देवता थे ओई जवजर्न प्रकाय की कजवता ओई संगीत के साथ साथ कला ओई जवज्ञान की अध्यता किते थे। मूसा नौ विभ के थे ओई वेटाइटेनाइड्स में से एक जीउस ओई मैंने मोटसन के बीच प्याई की लगाताई नौ यातों से पैदा हुए थे। इस जले ये कस्तूरी यूएनस ओई गया जैसे देवताओं की पोती है। अप्सियाया ग्रीक पौराजिक कथाओं में अप्सियाओं को प्रकृति जत की जदवतियत देजवया खा जाता है। बेहवा में जंगल में नौई पानी में पाई जाती हैं। बेजी उसकी बेजक्या है उनसे अनुलोई जक्या जा सकता है। हालांजक वेरियरी भी हो सकते हैं जवरेता अपने स्वभदूतीय अनुग्रह से उन्होंने उभिता ओई जीवन का प्रजत जनजित जक्या। इसके अजतरी वे लोग थे जो मनुष्य जानवी ओई देवताओं के बच्चों को पालने के प्रराई थे। ये जादुई जीव घायल पुरुयो पौयों ओई जानवियों को चंगा किते थे उन्हें दुलायते थे दयालु बुखिमान जबकि भानंद ओई प्रेम थे। इन पातों में से प्रत्येक के बाये में नजिक जानने के जलए कीटोन याइस कस्तुई ओई ग्रीक पौराजिक कथाओं की अप्सियाएं में ये चैनल पी वीडियो देखें। आप इसे प्याई किने जा रहे हैं गी की संतानों को संक्षेप में देखने के बाद आइए कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। योनोस को दिथा जक उसके बच्चे उसके याज्ञ को खतिये में डाल सकते हैं और उसे उसी तेह से हटा सकते हैं जैसे उसने अपने पिता यूएनस को जकिया था। इस जले उसने अपने बच्चों को खा जाने का फैसला जकिया। हालांजक उसकी माँ आर्या याद की छाया का लार उठा की जी उसको बचाने में सफल हो जाती है। उसे ये तेह द्वीप पी ले जाती है माउंट इडा के जरखी पी जहाँ वह उसे एक गुफा में छुपाती है। इस बीच वह योनोस को एक बड़े पत्थी के साथ प्रस्तुत किता है जैसे जक वह उसका बेटा हो जज से वह जबना जक्सी जहच जग चाहट के तुरंत खा लेता है। जी उस जंगल में बड़ा होता है जज से अमलदेव की द्वाया चूसा जाता है। पहले से ही एक वयस्क वह अपने जबता योनोस की तलार किता है
जज से वह अपने रायों को उल्टी किने के जले मजबूरी किता है और उसे जनश काट सब किता है, उसे ब्रह्मांड की गहियाई में फेंक देता है, उस एक में जो पृथ्वी और समुद्र के नीचे फैला हुआ है, इस प्रकार से अलग होने के डिको पुया किता है। उनके जपता बाद में जी उस माउंट ओजलम पी जनवास किता है और अपनी बहन हेया के साथ अन्य देवताओं के साथ अपने अन्य रायों से ने एक दिबाई में अपना रासन रुरु किता है। हालांजक वह प्रजत वंजत वयो जैसे टाइटनसक जजा और यूएनस के अन्य बच्चों जो माउंट ओजस पी हते हैं सेट कियाते हैं। टाइटन्स माउंट ओजलम पी चढ़ने की कोजर किएंगे, लेजकन वेजियस कीर्की का मुकाबला नहीं की सकते। जजस के पास जबजली का हस्त्याई है, जजस के साथ वह उनेंटा टाभ्रिया के इसातल मेन्फे का देता है जहां 300 जवराल पत्थी सुजंजित किते हैं। जब बेकरी बाही नहीं जनकल पाएंगे जो जग अचानक ईद का प्रतीक होगा यूनान। अंत में जीउस अपने अंजतम जवियोजियों टाइफून तूफान के दानव ओई चाई जदगजों पी जवजय प्राप्त किता है। एनसेलेडस हाइपिबायोस एज फियाल्टस ओई पॉलीबोटोस जजा ओई यूएनस के बच्चेरी जो एटना ओई अन्य ज्वालामुखियों के नीचे जंजी से बिये है जहाँ वेनहीन की सकते कियाना ओई कांपना बंद की दे। इस प्रकार ग्रीस में कई रुक ओई ज्वालामुखियों के युवया की व्याख्या किते हैं। यह स्थिर है जक आदेर अयाजकता को सफल बनाता है और प्रक्रिया जब की असंगठित ताकतें एक बहती बुखी के अयीन होती हैं। जी उस पेंडोया की आखिरी जत का आदेर देता है। पहली मझला जज से जमट्टी में बनाया जाता है, जज से देवता एज पजम स्थियस को जदिया जाता है और जजस के जमलन से मानव जाजत का जन्म होता है। पुरुषों की पहली पीढ़ी एक स्विभयुग में हिती थी, जजस्मिन वे देवताओं के साथ सहखस्तत्व में हिते थे। उन्हें जचनता थकान या दद्भन ही होता था। वृयावस्था की बीमारियों के जबना उनके रीढ़ी कीर्ति को स्थायी रूप से सनिजित किते थे और पृथ्वी द्वाया अनायास ही चढ़ाए गए प्रचुई माता मेरोजन का जनपटान की निमिनसिम होना। उन्होंने पूर्व सुख का आनंद जलिया और यद्यजप वेनश्वी थे देवताओं के जब पीत मृत्यु उनके पास नींद की तिह आई। मिने वाले फले पुरुयों को जीउस ने मा भथ भप्रज तराओं में परिवजत भत की जद्या जजनों ने जीजवत इन्हें भी ध्यान जद्या उनके व्यवहार को देखा और उनके गुयों को पुलिसकृत अजक्या। दूसी ओई दूसी मानव पीढ़ी एक इजत युग में हिती थी, लेजकन वे फले से काफी हीन प्रायी थे। वे आलसी थे ओई एक स्थायी बचकानी मुख भता से पी जड़त थे। लेजकन टाइटन्स में से एक ओई टाइटन के बेटे प्रोमेथियस ने जीउस से उस आग को चुया जलिया जो जवरे रूप से अमियों के जले आयोजित थी ओई इसे अंतहीन प्रगजत के प्रतीक के रूप में लोगों को जदिया। इस प्रकार पुरुयों ने अपनी स्थायी रांजत को त्याग जदिया गुफाओं को छोड़ने ओई सजद्भियों की कठोरता जब घली ओई जाली यातुओं से अपना बचाव की नेमिनसिम हुए ओई इस तिहस्थाई सुयाय का माग भरुरु जक्या। इजक युग के बाद कांस युग आया, जजसमेन पुरुई मजबूत ओई जहनसत प्राजियों में बदल गए। कांस हजथ्यायों के माजलक देवताओं को अलग की जद्या ओई अब उनका सम्मान नहीं जक्या। गुस्से में जीउस ने प्रोमेथियस को काकेर्स के रीब पीफे का जद्या जहां एक बाज ने उसका जजगी खा जलिया ओई मानवतापी जल प्रलय के पानी को बहा जदिया। प्रोमेथियस के बेटे ड्यूकाजलियन ओई उनकी पत्नी पाया को छोड़की सरी पुरुयों की मृत्यु हो गई। जब पानी घट गया तो जीउस से सम्मान ओई बजलदान सेमा प्राप्त हुई ओई मानव जाजत के जले इमा ओई पुनरुत्थान प्राप्त जक्या। कांस युग के बाद लौह युग आया, जज में हम अरीरी खुद को पाते हैं। हालांजक पुरुयों के पास अरीरी वह जदव्य ज्योजत है जो प्रोमेथियस ने उन्हें जवपजत पी काबू पाने के साइन के रूप में दी थी ओई जजस के जले इन्यवाद एक जदन एक आदमी देवताओं की ब्याबी किने ओई पुरुयों को स्विभयुग में वापस लाने में सिम होगा। अगला वीजडियो ग्रीक पौयाजिक कथाओं के आजगम देवता आप इसे प्याय किने जा रहे हैं। इतिहास पौयाजिक कथाओं दर्भन या कला के ओई वीजडियो देखने के जले वीजडियो के जब्वी में चैनल पी जाएं।